Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? I hope all of you will be fine with the blessing of Allah Almighty. Welcome to my channel, Poly Subject Lectures. Students, I have a request before starting video. If you are new on my channel, please subscribe it. So let's start. Contradiction. In semantics, a contradiction is a sentence that is false under all circumstances due to having two opposite senses. सीमेंटिक में जो कॉन्ट्रडिक्शन है ये कैसी टर्म है या एक ऐसा सेंटेंस है जो कि तमाम हालात के अंडर जो है वो रॉन्ग कंसिडर होगा, ठीक है, ड्यू टू हैविंग टू ऑपोजिट सेंसेस. किसकी वजह से इसकी टू ऑपोजिट सेंसेस है, ठीक है. सेंस क्या दे रहा है, एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट, तो जिसकी वजह से इसका जो एक सेंटेंस है वो तमाम सरकमस्टांसिस के अंदर जो है फॉल्स कंसिडर किया जाएगा, ठीक है. यहाँ पे एग्जांपल है, शायद डेफिनेशन से आपको इतना जो है कंसेप्ट क्लियर ना हो लेकिन एग्जांपल से ज़रूर होगा. अब फर्स्ट एग्जांपल को देखें, माय ब्रदर इज़ प्रेग्नेंट. अब यहाँ पे नाउन यूज़ किया हुआ है, ठीक है, माय ब्रदर इज़ प्रेग्नेंट. अब यहाँ पे जो ब्रदर है उसकी क्वालिटी है ही नहीं, उसके अंदर ये फीचर ही नहीं है कि वो प्रेग्नेंट हो सके, तो क्या है, ये कॉन्ट्रडिक्शन है. यहाँ से अब आपको जो है इसकी डेफिनेशन भी समझ आ जाएगी कि क्यों मैंने कहा कि कोई भी ऐसा सेंटेंस जो तमाम सरकमस्टांसिस के अंदर गलत होगा, ठीक है, जिसकी दो या दो से ज़्यादा सेंसेस यानी ओपोजिट सेंसेस होगी. अब यहाँ पे ओपोजिट सेंसेस यूज़ हो गई. देखें, एक तो मेल का नाम यूज़ हुआ, नाउन यूज़ हुआ, और नेक्स्ट जो है इन्होंने प्रेग्नेंट का वर्ड यूज़ कर दिया, तो क्या है, मेल के अंदर तो ये फीचर ही नहीं है कि वो पैदा कर सके, ठीक है. नेक्स्ट है स्टॉप एंड कीप मूविंग. अब यहाँ पे भी आपको थोड़ा अंदाज़ा हो गया होगा कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि स्टॉप रुक जाइए, एंड सेकेंडली वो कह रहे हैं कीप मूविंग चलते रहिए, ठीक है, मूव करते रहिए. तो इसका क्या मतलब हुआ, मतलब टू ऑपोजिट सेंसेस है इसकी, ठीक है. एक सेंस को हम देखते हैं तो हमें लगता है कि कोई आइडिया कन्वे हो रहा है, लेकिन जब सेकंड टाइम सेकंड जगह पे देखते हैं, सेकंड जो वर्ड यूज़ किए हुए हैं या हम कह सकते हैं कि जो वर्ड को आगे मॉडिफाई कर रहे हैं उनको जब हम देखें तो देखते हैं तो हमारा जो है वो आइडिया क्या हो जाता है, ब्लर हो जाता है, ठीक है, हमें समझ नहीं आती, ठीक है. थर्ड जो है एग्ज़ाम्पल वो देखें, डोंट एंटर बट एंटर ओनली. अब ये वाली जो थर्ड एग्जांपल है ये सेकंड से कुछ रिलेट कर रही है, ठीक है, यानी एक साइड पे वो कह रहे हैं कि एंटर मत होइए लेकिन एंटर होइए, मतलब इसका मतलब कि टू ऑपोजिट सेंसेस है, ठीक है. तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है, ये होता है कॉन्ट्रडिक्शन. स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ ना आई हो अभी तक तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं. सो व्यूवर्स, आज की थी ये वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.